अमेरिका की खुफिया एजेंसी की तरफ से आपको बता दें कि भारत को लेकर एक जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है, और इस रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों को लेकर जो कहीं अहम बातें हैं वो कही गई है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर भी ये जवाब देने की जो आशंका है वो कई गुना अधिक है। साथ ही चीन को लेकर भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से भारत के रिश्ते और 2020 में हुई जो सैन्य झड़प भारत और चीन के बीच में हुई उसको लेकर जो आगे के रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण रह सकते हैं। साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में तनावपूर्ण रिश्ते रहना कहीं ना कहीं विश्व शांति के लिए भी खतरा है, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी हैं। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। साफ तौर पर भारत की स्पष्ट नीति का जिक्र इसमें किया गया है, और कहीं पर भी आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद को बर्दाश्त करना भारत नहीं चाहता है, इस बात का जिक्र हुआ है। साथ ही ये भी कहा इस रिपोर्ट में गया है कि पाकिस्तान को हमेशा से जाना जाता रहा है भारत विरोधी आतंकवादी समर्थकों को, आतंकवादी संगठनों को शरण देने में पाकिस्तान माहिर है। ये बड़ी बातें इस रिपोर्ट में रखी गई है। तो भारत को लेकर कहीं ना कहीं अच्छी खबर इस रिपोर्ट में है कि किस तरह से भारतीय रणनीति, भारतीय कूटनीति विश्व स्तर पर भी कहीं ना कहीं अपनी स्पष्टवादी सोच के तहत, एक स्पष्टवादी नीति के तहत अपना जो तमाम चीजें हैं वो कायम किए हुए हैं।